Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is me, guys. We are Sanvin. You are watching Sanvin Non-Stop. Guys, can I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो finally vlogger of the year award मिल गया. सौरव जोशी जो है वो इंडिया के बहुत बड़े vlogger हैं और इनको जो है वो best जो है वो क्या उसे कहते हैं vlogger का award मिल चुका है और इनके subscriber है 28.6 million. ओ माय गॉड यार, इस बंदे के बहुत ज्यादा जो है ना वो फैन फॉलोइंग है, सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा है और इसके व्लॉग भी लोगों को बहुत पसंद आते हैं. कैरमिन हार्टी ने इसको रोस्ट भी किया था, ये बहुत अच्छा व्लॉगर है. आपको सौरव जोशी के व्लॉग पसंद है, आपको सौरव जोशी पसंद है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा. और चलिएगा इस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर तुम लोगों ने कर दिया ना, करके जाना. अगर नहीं किया तो मैं फिर भी तुम लोगों को बार बार याद करवा देती हूँ यार, करके जाना. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. गाइस अभी हम आए थे जिम में और देखो हमको कौन मिले. कितने कितना गोल्ड है ये? 350 ग्राम. अबे इसको भुवन भाम व्लॉगर ऑफ द ईयर मेल एंड इट गोज टू मिस्टर इंडियन एक्टर को नहीं मिला. तो गाइस आ चुके हैं स्टेज पे और हम अजय वो उधर भी जाके बना रहे हैं. Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो मुझे भी लोग कहते हैं व्लॉग रेडी हो गया हूं बिकॉज आज जाना है गोवा. बिकॉज आज हमको मिल रहा है व्लॉगर ऑफ द ईयर अवार्ड. हम नॉमिनेट हुए हैं व्लॉगर ऑफ द ईयर के लिए तो मैं तो बोलूंगा ही ना कि मिल रहा है क्योंकि पॉजिटिव रहना चाहिए. और सबसे मेन तो वहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत सारे इन्फ्लुएंसर सबसे मिलने वाले हैं तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है सबसे मिलने में. इस तरह के अवार्ड फंक्शन होते हैं ना तो वहाँ मिलने में मज़ा आता है. अवार्ड तो चलो मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है. तो चलते हैं वहाँ पर, गेम हेड भी अभी होंगे. वैसे अभी मैं दिल्ली में हूँ अपने दिल्ली वाले घर पर, कल ही आ गया था ना, तो सुबह के 7:30 बज रहे हैं, निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए. 11 बजे की फ्लाइट है तो आराम से पहुँच जाएंगे. तो घर से निकल गए एयरपोर्ट के लिए तो चलते हैं एयरपोर्ट. तो यहाँ से एयरपोर्ट 40 मिनट दूर. देखो साफ सुथरा. तो गाइस एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, चलते हैं अंदर, चेक इन करते हैं और फिर चलते हैं अपने गेट की तरफ. कोई नहीं मिला, सारे सीधा वहीं मिलेंगे इवेंट में. अब शाम को ही मिलाऊंगा आपसे. गाइस देखो सबसे पहले कौन मिले हमको, अंकुर भाई, बिग फैन. यार आप लेट हो गए पता है. गाइस लास्ट ईयर भी हम दोनों गए थे और हम दोनों का अवार्ड मिला था, ब्लॉगर ऑफ द ईयर, गेमर ऑफ द ईयर. क्या बताए इस साल भी मिल जाए, देखते हैं. वो तो अगर 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 वो वोटिंग के हिसाब से हुआ जैसे एंड हुई है वोटिंग. मैंने तो देखी नहीं प्योर वोटिंग, मैंने बोला भी नहीं कि वोट करने के लिए, आप लोगों ने खुद ही वोट करे होंगे. बट गाइस ये देखो कितना मस्त है लटका हुआ इस तरह से, इसको हम इस तरह से कहीं भी मूव कर सकते हैं. पहले मुझे लगता होटल में एंटर करने से पहले चेकिंग होगी, सारा सामान चेक हुआ है. गैस यहाँ पे तो कोई नहीं दिख रहा हमारे अलावा, ऐसा लग रहा है हम सबसे पहले पहुँच गए. चलो चलते अंदर जाके अंदर. स्वागत हो रहा है भाई, जयमाला पहना दिए. वेलकम ड्रिंक. वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड. अभी 6 मिलियन हो सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब. सौरभ जोशी, हाउ डू यू कीप अप इन दिस डे? बिकॉज़ आई लव माय वर्क, जो मैं करता हूँ. लास्ट टाइम भी मैं आया था तो बहुत बहुत मजा आया था, बहुत. इस बार भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और इस बार तो और भी काफी सारे लोग. ये बंदा बहुत डाउन टू अर्थ लगता है मुझे. तो गाइस चेक इन हो चुका है, अब जा रहे हैं सीधा ब्रेकफास्ट के लिए क्योंकि भूख लग रही है, उसके बाद जाएंगे रूम में. चलो तो आ गया सीधा रेस्टोरेंट में खाने के लिए, हम रूम में नहीं गए सीधा रेस्टोरेंट में आए. भाई भूख लग रही है तगड़ी वाली. चलो भाई आते टूट पड़ते खाने पे. सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पे फ्रूट्स. ये देखो फ्रूट्स वाला केक भी है यहाँ पे. और ये देखो ये देखो ये देखो और ये देखो भाई ये काट सकते हैं हम. काटा है किसी ने? ये काटा अभी तक किसी ने नहीं काटा. देखो खुद से बना सकते हैं हम सॉफ्टी. यहाँ से उठाओ यहाँ पे देखो बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, उठाओ डालो. लास्ट में खाएंगे, लास्ट में खाएंगे भाई. आज सब खा देंगे, सब खा देंगे. पहले ये ले ले, स्टार्टिंग हेल्दी से कर रहे हैं हम. ये क्या है भाई, ये क्या? ये ले ही चलो. है
भाई बहुत कुछ है खाने को, बहुत ही कुछ। तो खाना पीना हो चुका है, अब चलते हैं रूम में, वहाँ पे हमारा रूम, वहाँ पे चलो 338 चलते हैं रूम में, रूम टूर देता हूँ पहले आपको। तो रूम में एंटर करते ही यहाँ पे है वॉशरूम, पहले वॉशरूम में दिखा देता हूँ आपको। और ये नहाने वाला एरिया है, यहाँ प्यारा सा बाथटब भी है, यहाँ से दिखता भी है रूम, तो इसको बंद करना पड़ेगा। और ये है हमारा रूम, सोफा है, टीवी है बहुत बड़ा, और यहाँ पे देखो हमारे लिए चॉकलेट्स रखी हैं प्यारी प्यारी, साथ में एक लेटर भी है वेलकम टू। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आज क्या होगा। तो यहाँ पे एक बैग मिला, ये वाला। अरे ये मेकअप का सामान है भाई, अपनी गर्लफ्रेंड का मेकअप का सामान है पूरा। अच्छा, इसके गर्लफ्रेंड का। और नेक्स्ट है बॉक्स जिसके ऊपर लिखा हुआ है बेल्किन, तो इसमें देखते हैं क्या है। तो इसमें है वायरलेस चार्जर जिससे हम अपने फोन को भी चार्ज कर सकते हैं, एयरपोर्ट को भी चार्ज कर सकते हैं, और वॉच को भी, तीनों को एक साथ चार्ज कर सकते हैं भाई। प्यारी सी बालकनी है देखो, यहाँ मस्त, यहाँ भी सोफे लगे हुए हैं, मस्त यहाँ बैठ सकते हैं, टेबल लगी हुई है, और यहाँ से बाहर यहाँ वाटरफॉल बना रखा है प्यारा सा। और ये हमारा रूम है, ये बालकनी है पूरी, मस्त लग रहा है यार। गाइस अभी हम आए थे जिम में, और देखो हमको कौन मिले, अंकित भाई, अमरम भाई। तो फर्स्ट टाइम मिले, काफी अच्छा लगा, हमको वर्कआउट करा रहे हैं, सपाटे सिखा रहे हैं, तो करके करके दिखाता हूँ आपको लोग। तो गाइस फाइनली रेडी हो चुका हूँ इवेंट में जाने के लिए, तो चलते हैं और देखते हैं कोई थ्री पीस नहीं पहना, बस मिलता है या नहीं मिलता, अपना नॉर्मल कैजुअल में देखते हैं। तो चलो यार, ये डाउन टू अर्थ बंदा, आ जाओ भाई, गाइस आ जाओ, सबने थ्री पीस देखो कैसे पहने हुए हैं, फुल सूट। गई जैसा लगा सबसे पहले हम ही पहुंच गए, तो भाई क्या लग रहे हैं देखो भाई, अब तो पक्का मिलेगा इनको भाई, क्या लग रहा है भाई, डिजर्व करते हैं भाई, डिजर्व करते हैं। एक बार इधर को आना, ऐसे ऊपर से नीचे तक दिखाओ। हाँ। भाई मैं तो रोज यही कपड़े डालता हूँ, ऊपर से नीचे, मैं तो रोज ऊपर से नीचे तक दिखाओ, एक बार नीचे दिखाओ भाई, दिखाओ दिखाओ नीचे को दिखाओ, आप ये दिखाओ, ये यार ये देखो ना, आप क्या ये है ना, एलवी ये है ना, गेमर ऑफ द ईयर गाइस ये है ना, लग रहे हैं ना, लग रहे हैं ना, उसकी जुबान मुबारक होगी, उसने जो बोला वही हो गया। क्या पता बात सच्ची हो जाए, या दूसरों की खुशी में खुश हुआ करो, दोनों भाई जेलस होने नहीं, दोबारा बैक टू बैक, बैक टू बैक 2 साल। और जो अवार्ड मिलेगा ना उसमें भी इस तरह का हैशटैग बनाऊंगा, ये हैशटैग बनाऊंगा यहां पे लाइट का। ये देखो ये तो वैसे रीलर्स के लिए है, हम रीलर्स नहीं है गाइस, ये देखो बड़े वाले चेस है गाइस, देखने में ये आपको भारी लग रहे हैं, बट भारी नहीं है, बहुत हल्के हैं। अच्छा अच्छा, ये फोन के बने हुए हैं। ये एक और जगह है रीलर्स के लिए, हेलो सर, तो अभी अंकित भाई भी आ गए हैं जी, सा हो गया। आ गए मेन इवेंट वाले एरिया में, यहाँ पे होगा मेन इवेंट, यहाँ पे टेबल चेयर्स लगी है, यहीं बैठेंगे हम मस्त, और वो सामने स्टेज है वहीं पे हमको अवार्ड मिलेगा। गाइस ये जूते देख के गैस करो ये कौन होगा, गैस करो ये जूते देख के कौन होगा, ये कर सकते हो गैस? अच्छा अच्छा, इसको कैरी ने भी रोज किया था, मॉम ने दिए थे वो, क्या हो गया, क्या दिया, मैंने ना वीडियो में दिखाया, मैंने वीडियो में सिर्फ आपके जूते दिखाए, गुरु करके नाम है, टेक्निकल गुरु, यस टेक्निकल। गाइस ये देखो भाई साहब, कितना कितना गोल्ड है ये, 350 ग्राम, यार मुझे याद है बहुत सारा सोना, ये एप्पल वॉच, और इतना भारी फोन है ना ये, 550 ग्राम का फोन, जेब फटती नहीं है, मैं हाथ में जेब फटने के अलावा बहुत ही सुझा है दोस्त, जेब पे रखना, यहाँ पे लोगों भी है टेक्निकल गुरु जी का, कैसे हो? या इसका हाइट काफी छोटी है ना, देखो गाइस बात ऐसी है, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ इवेंट, लेकिन हमको लग रही है तगड़ी वाली भूख, तो हम आगे, ये भी मेरी तरह बस, कोई नहीं है भाई, खाना खाओ, स्टार्ट भी नहीं हुआ खाना, क्या करें बताओ, खा लेगा, भूख लग रही है भाई, टाइम देखो 9:10 हो चुके हैं यार, खा लेते भाई, आओ भाई, ऐसा लग रहा है चोरी कर रहे हैं गाइस, हम तो टूट पड़े भाई, हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है यार, हम तो रात में चावल खा रहे हैं। चम्मच भी पहले लिए हमने, सबसे पहले हमने लिए हैं, सबसे पहले खाना भी हमने लिया और चम्मच भी, तो इवेंट से पहले ही भाई, इवेंट स्टार्ट नहीं हुआ अभी, पूरा खाली पड़ा है, कोई नहीं है भाई, बता नहीं सकते इतना टेस्टी है ना कि भाई, एक बार और ले लिया हमने। इस बार थोड़ा ज़्यादा ले लिया गाइस, खा के अब जा रहे हैं हम इवेंट में, चलो सोशल मीडिया की डोर अपन लोगों के हाथ में ही है,
तो अपन लोगों को इसको आगे लेके जाना है। ऑडियंस हियर लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियों की गूंज हर जगह। अरे मेरे पुशअप चैंपियन, गेमर ऑफ द ईयर, ये तो मेरी बहुत प्यारी दोस्त है यार। उसको मिल गया कि वो अपना ही आएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, व्लॉगर ऑफ द ईयर मेल, एंड इट गोज टू तेना तिंथा सौरभ। ओ सौरभ जाजी को मिल गया। छोटा सा लग रहा है। स्टेज पे रख के व्लॉग बनाना है यार, अपना ही इवेंट है यार। तो गाइस आ चुके हैं स्टेज पे और हमको मिल गया यहाँ पे अवार्ड व्लॉगर ऑफ द ईयर। तो थैंक यू सो मच सबको, एंड जिनको अवार्ड मिला सबको कंग्रेचुलेशन, जिनको मिलेगा उनको कंग्रेचुलेशन। काफी अच्छा लगा सबसे मिलके, सारे क्रिएटर से, सारे इन्फ्लुएंसर से, सबसे जिनको मैं नहीं जानता था उनसे भी मिलके काफी अच्छा लगा, उनके कंटेंट के बारे में जाना, उनसे बात की। तो हाँ सारे काफी टैलेंटेड हैं, तो जितने लोगों को मिला मिथिलेश लोगों को नहीं मिला, मिथपैथ लोगों को। और अब घरों में सुशी यार, उसको क्यों नहीं मिला अपने, हमारे तो खून में टाइटेनियम है, उसको क्यों नहीं अवार्ड मिला? मिस्टर इंडियन हैकर को उसको मिलना चाहिए था यार, बहुत हार्ड वर्क करता है। गाइस फाइनली मिल चुका है व्लॉगर ऑफ द ईयर, और इनको मिल चुका है गेमर ऑफ द ईयर फाइनली। यस सर। और आ चुके रूम में, थोड़ा बहुत डांस भी किया भाई आज, तो हमने आफ्टर पार्टी भी करी है, तो काफी अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच हमको वोट करने के लिए और जितवाने के लिए, इस साल भी, अगले साल भी यार, हो जाए उससे अगले साल भी, हो जाए उससे अगले साल भी अगर हुआ तो। इसी के साथ में आज के इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गाइस लिटरली हमने तीसरी बार ले लिया, तीसरी बार चावल खत्म होने वाले भाई। यहाँ पर दिखाता हूँ आपको भाई, ये देखो आधे कर दिए हमने। हमको देखिए कहीं और लोग ना आ जाए खाने, अवार्ड छोड़ के ना आ जाए सब, सारे अंदर से बाहर। अच्छा यार बहुत कमाल की जो है ये वीडियो थी, और फाइनली सौरभ जोशी को जो है भाई इतने ज्यादा उसके सब्सक्राइबर हैं, वो कब से व्लॉग बना रहा, और वो बहुत सारे जो है ना वो हाइट में बहुत ज्यादा बड़े बड़े लग रहे थे, ये बहुत टाइनी सा उनके सामने लग रहा था, बट ओवरऑल देखा जाए तो ये बंदा बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना इंडिया का व्लॉगर है, और इतने अच्छे अच्छे व्लॉग्स में आता है। लेकिन मिस्टर इंडियन हैकर को नहीं मिला यार, वो उसकी मेहनत बहुत होती है, वो अपने मतलब व्लॉग्स और उसकी वीडियोज जो होती है ना बहुत ही फैंटास्टिक होती है। हमने उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो भी बनाई ना, उसकी मेहनत और हार्डवर्क बहुत होता है उसके व्लॉग्स के अंदर। तो मुझे जरा बताना उनको अवार्ड मिला कि नहीं मिस्टर इंडियन हैकर को, और अच्छी थी यार, नाइस वीडियो थी। और चले गाइस आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, आप लोगों का फेवरेट व्लॉगर कौन सा है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चले गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।